इसके लिए हमारे विज्ञान योद्धाओं ने प्रयोग करे और उसकी रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग करके हमको भेजा। साथ में कह सकते हैं कि हमारे विज्ञान योद्धा भी पूरी मजबूती के साथ अपने प्रयोग कर रहे हैं और उसका अनुसरण करके दूसरों को भी बता रहे हैं, अपने छोटे और अनुजों को समझा रहे हैं कि प्रयोग कैसे हो सकते हैं। डेंसिटी की बात करें यानी कि घनत्व की बात करें तो मजेदार है घनत्व का प्रयोग। आपने मृत सागर के बारे में सुना होगा जहां इंसान लेट कर एक किताब भी पढ़ सकता है, ऐसी चित्र भी देखे होंगे, लेकिन मैंने खुद डेड सागर की तरीके से घनत्व जहां डेंसिटी जिस सागर में हो उसको प्रैक्टिकली जिया है और वो जगह है आपकी केरल में त्रिवेंद्रम में। तो केरल के पास में जो बीच है, समुद्र किनारा है त्रिवेंद्रम का, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए उस प्रयोग को एक प्रैक्टिकल अपने घर में भी आप करके देख सकते हैं। एक गिला 3 गिलास लीजिए, 1 गिलास में सादा पानी लीजिए, 1 छोटा आलू जो उसमें गिलास में जा सके आसानी से उसे डालिए, 2 गिलास में आधा पानी भरिए और सैचुरेटेड कर दीजिए नमक के साथ में, यानी कि नमक उसमें घोल दीजिए और फिर उसके बाद में उसमें तैरा दीजिए आलू और फिर उसके ऊपर हल्के से किनारे से पानी डाल दीजिए सादा और वो आलू बीच में रहेगा। और तीसरे में डेंसिटी यानी कि पूरा गिलास भर के उसे सैचुरेटेड कर दीजिए 4 या 5 चम्मच नमक से, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इस प्रकार से आलू कहना चाहिए कि ऊपर तैरता रहेगा। इस राज को समझाया हमारे एक विज्ञान योद्धा ने जिसका नाम है ऐश्वर्या और उसने बहुत ही मजेदार तरीके से इस प्रयोग को करके दिखाया। मैं आप सभी को डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूंगी। डेंसिटी का फॉर्मूला यानी सूत्र आप सभी जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आज आप सभी को मैं केवल 3 इक्वल साइज के ग्लास जिनका वॉल्यूम सेम है, पानी और आलू से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। सपोज किया कि हमारे पास ये पानी जो है इसकी डेंसिटी हमने ली D2 और आलू की डेंसिटी ली हमने D1। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आलू की जो साइज है वो सेम है यानी उनका वेट भी इक्वली होगा। तो अब हमें देखना है कि मास के और वॉल्यूम के वेरी करने से डेंसिटी कैसे वेरी होगी, वो भी 3 अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस सिचुएशन में आलू जो है वो पानी के सबसे नीचे स्तर पर है, मतलब वो उसमें डूबा हुआ है। और कोई चीज पानी में कब डूबती है, जब उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि पानी का जो घनत्व है वो आलू के घनत्व से कम है और आलू का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसीलिए वो उसमें डूब पा रहा है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी D1 हुई आलू की वो क्या है, वो ज्यादा हुई पानी की डेंसिटी से। अब हम बढ़ते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी और वॉल्यूम को ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम होगी, और इसी तरीके से अगर मास को ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम को यहाँ रखा है हमने कांस्टेंट, तो अब हमारे पास क्या हुआ वेरी करने के लिए, केवल मास। तो अब यहाँ देखते हैं इस वाली सिचुएशन में आलू जो है वो पानी के ऊपरी सतह पर तैर रहा है, और कोई चीज कब तैरी जाती, जब उसका घनत्व यानी डेंसिटी कंपैरेटिवली अदर चीज से कम। तो यहाँ पर पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा है। अब आप लोग सभी सोच रहे होंगे पानी का घनत्व अचानक से इतना ज्यादा कैसे हो गया आलू से, जबकि पहली सिचुएशन में तो आलू डूब रहा था। तो जैसा आप जानते हैं कि पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ढक जाए या बंद हो जाए या कवर हो जाए तो पानी का जो मास है वो बढ़ जाए लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उससे क्या होगा हमारी डेंसिटी बढ़ जाए। तो यही किया है हमने, हमने उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सैचुरेट किया। अब सैचुरेट कैसे किया, जबकि हमारे पास तो पानी जो है वो नॉर्मली दिख रहा है, कुछ हमें इसमें अलग से दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने उसमें कुछ डाला है।
तो सैचुरेशन के लिए हमने इसमें यूज किया है नमक। नमक बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो जब हम उसे सैचुरेट करते हैं पानी के साथ में, नमक हो गया हमारा सॉल्यूट और हमारा जो पानी हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, मतलब एक हो गया विलेय और एक हो गया विलायक। विलेय जो मिलाया जा रहा है और विलायक जिसमें मिला जा रहा है। तो पानी और नमक को हमने इस तरह से इस स्टेज पर सैचुरेट किया है कि पानी की जो डेंसिटी है, पानी का जो मास है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका डेंसिटी बढ़ गई। तो इसीलिए यहाँ पर पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है आलू के कंपैरेटिव में कि आलू इसमें तैर, मतलब D1 आलू की जो डेंसिटी है वो कम है D2 पानी की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मिड में, बीच वाले में, एकदम ये बीच की सतह पे सतह। तो जैसे मैंने आपको पहला केस बताया और आखिरी केस, तो उसी का कॉम्बिनेशन है ये सेकंड वाला केस। इसमें हमने आधे ग्लास को, आधे पानी को सैचुरेट किया है और आधे पानी की हमने डेंसिटी बढ़ा दी। तो इससे आलू के कंपैरेटिव में पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि आलू उस पर आराम से तैर पा रहा है। और ऊपर से हमने यूज किया है नॉर्मल, जिसकी डेंसिटी आलू की डेंसिटी से कम है, इसीलिए पानी उसके ऊपर तैर पा रहा है। तो ये सिंपल सा घरेलू चीजों से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है देश का पहला विज्ञान चैनल। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।